लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद जब आप घर आ रहे हो ना, तो ये काम ज़रूर करना, चाहे आपके फेस पे ऑइंटमेंट क्यों ना लगाओ। ऑइंटमेंट को फाड़ में जाने देना, नहीं तो रात भर नहीं सो पाओगे मेरी तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप घर आकर क्या करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास से लेज़र करके आएंगे तो आपके फेस में जो उस समय तो कोई स्वेलिंग पता नहीं चलेगी, बस आपको ना जलन का एक पेन होगा, वो काफ़ी होगा। आप धूप में थोड़ा जाने से भी ना आपके आँखों से पानी आने लगेगा, बहुत इचिंग होगी। आप बस ठंडक ढूंढेंगे कि आपको कहाँ ठंडक चाहिए, आपको कहाँ ठंडक मिलेगी। तो आपको क्या करना, घर आकर सीधे आपको, घर में फ्रिज है तो फटाफट से, अगर बर्फ़ नहीं है तो उसमें बर्फ़ रखकर उस जगह को अच्छे से रब कीजिए, धीरे 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 धीरे, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे। उससे क्या होगा ना कि आपकी बर्निस में, वहाँ जहाँ बर्न हुआ वहाँ ठंडक मिलेगी और जो स्वेलिंग है ना वो स्टॉप हो जाएगी, आएगी बर्फ़ लगाने से आएगी, बहुत हल्की आएगी। मेरी तरह आप पूरा फेस नहीं सूजेगा कि आँखों से पानी गिर रहा है, गाल ऐसा आ गया, आँखें अंदर घुस गई, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आएगी। डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं, जब मेरी स्किन पूरी निकल गई उसके बाद बोल रहे आपने बर्फ़ ही लगाया, अरे आपने बोला ही नहीं, आप बोलते तो मैं लगाती ना, जब आपने बोला ही नहीं तो मैं कैसे लगाऊंगी। तो इसलिए गाइज, अगर बाई चांस आपका डॉक्टर भूल जाता है ये सब बताना, तो फटाफट से आप उनके फेस पर आई ज़रूर लगाना, और रात को सोने से पहले 2 पिलो आपके गर्दन के नीचे ज़रूर होना चाहिए, पहले ही बोलती हूँ, ठीक है? नहीं तो अच्छी खासी स्वेलिंग आने वाली है आपके फेस पर। मैं तो 1 पिलो में सोई थी और पता ही नहीं चला, ऐसे ही सो गई थी, जब 4 बजे नींद आई तो ये ऐसा था और ये ऐसा था। इसलिए आप आपके फेस का ध्यान रखना और अच्छे से उसमें आइस लगाना और रिलैक्स रहना, डरना नहीं।